अन्नपूर्णा मंदिर। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर लिखा है कि यह त्रिगर्त प्रदेश का सिद्ध शक्ति पीठ है। और मंदिर का बाहरी भाग किसी महल से कम नहीं है। और इसी मंदिर के ठीक पीछे है सती वृंदा देवी का मंदिर। वही वृंदा देवी जो जालंधर की पत्नी थी, जिनके शाप से विष्णु शालिग्राम बने और उसके बाद से तुलसी और शालिग्राम पूजा की प्रथा आरंभ हुई। वापस चलते हैं अन्नपूर्णा मंदिर की ओर। मंदिर के बाहरी प्रांगण में कई सारे पेड़ लगाए गए हैं और उसके ठीक पीछे एक श्मशान घाट भी है। तो यहाँ की बात बाद में कभी, अब वापस मंदिर की ओर। और ठीक हो? ये नवनिर्मित एक हॉल है जिसमें मध्य में माँ भवानी, उनकी दाई ओर श्री राम और बाई ओर लक्ष्मी नारायण एवं श्री राधा कृष्ण जी विराजमान है। अब चलते हैं मंदिर के ऐतिहासिक क्षेत्र की ओर। ये दो ऐतिहासिक मंदिर हैं। इसमें सबसे पहले है शिव मंदिर। शिव मंदिर टिपिकल पंजाबी आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ऐसे मंदिर आपको यहाँ और पाकिस्तानी पंजाब दोनों जगहों पे मिलेंगे। सर्वप्रथम विशालकाय नंदी है, तत्पश्चात शंभु महादेव का विग्रह। मंदिर का अंतर्भाग बहुत ही भव्य है और ये एक नर्मदेश्वर शिवलिंग है जिसे चांदी से मढ़वाया गया है और साथ में शिव परिवार विराजमान है। और यहाँ पर भी ओम नमो भगवते रुद्राय, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इशवे नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः, यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः, शिवाशरव्या यातवतयानो रुद्रमृडय। शिव मंदिर से वापस चलते हैं माता अन्नपूर्णा की ओर। शिव मंदिर से बाहर निकलते ही वीर बजरंगबली जी का विग्रह है। पंजाब में हनुमान जी का नारा जय श्री राम जय हनुमान जय बजरंगबली के साथ नहीं, जयकारा वीर बजरंगी से लगता है। ये हैं बजरंगबली जी। और ये है प्रमुख मंदिर जिसके नाम पे इस मंदिर का नाम ही पड़ा है, अन्नपूर्णा मंदिर। और यहाँ पे आप अगर जाएंगे तो सामने के मंडप में एक कुएं का प्राचीन भाग है और आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, उसके लिए इन सीढ़ियों का सहारा लेना होगा। तो चलते हैं। और ये है प्राचीन कूप। मंदिर के बारे में कहा जाता से है यहाँ से एक प्राचीन मार्ग निकला करता था जहाँ से लोग हरिद्वार की यात्रा करते थे। अब तो ये सब कुछ बंद हो गया है और ये एक ताके में भैरव जी का विग्रह है। और ये माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवाः शिव भक्ताः च सुदेशु भुवनत्रयम्।